तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू साइन ए कोस बी, टू कोस ए साइन बी के फॉर्मूले किस तरीके से सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलो करते हैं स्टार्टअप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए प्लस बी का, जो पिछली बार भी लिखा था हमने। तो यह है हमारा साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये एक होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो होता है साइन ए माइनस बी का, बस इसमें यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी ये सब सेम ही है। तो ये हमारा होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक, और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण दो। ठीक, तो अब करते क्या है कि ये दो समीकरण हैं और इनको एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो यहाँ से दो फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ दिया है, ऐसे ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा। तो इस साइड के जो हिस्से हैं वो इस साइड जुड़ जाएंगे और जो इस साइड के हैं वो इस साइड। ठीक है, तो देखते हैं आ जाएगा यहाँ की साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और जोड़ने पर इधर ये कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, और इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा साइन ए कोस बी, ये भी साइन ए कोस बी, तो हो जाएगा टू साइन ए कोस बी। तो ये हमारा टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दें, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएं, तो फिर क्या होगा जरा देखते हैं। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो है ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर। घटाने पे ये अलग अलग चिन्ह के हैं तो ये तो कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे कोस ए साइन बी, तो हो जाएंगे टू कोस ए साइन बी, क्योंकि एक ये रहा कोस ए साइन बी, एक ये रहा यहाँ, और ये वाला चिन्ह काम करेगा, भी ये वाले चिन्ह काम नहीं करते। तो ये हो जाएगा टू कोस ए साइन बी का फॉर्मूला। ठीक, अब इससे आगे हम, ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। इससे आगे अगर हम देखो जरा, ये है हमारा ए प्लस बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ए प्लस बी को हमने सी मान लिया और इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। उसी तरीके से यह है हमारा ए माइनस बी और इसको मान रहे हैं हम डी, ये हो गया हमारा समीकरण दो। तो एक बार समीकरण एक को दो में जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये हो जाएंगे टू ए और इधर आ जाएगा सी प्लस डी। तो ए की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी सी प्लस डी बटे दो, ये ए की वैल्यू है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ लिखें कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो इस बार ये तो कट जाएंगे और यहाँ b और ये प्लस b, ये हो जाएंगे 2b और इधर आ जाएगा c माइनस डी। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से c माइनस डी बटे 2। अब हम इनमें a और b की वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ देखो पहले वाले फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, a प्लस बी की जगह रखेंगे हम c और a माइनस बी की जगह रखेंगे d, फिर यहाँ 2 साइन a और a की जगह c प्लस डी बटे दो और b की जगह c माइनस डी बटे दो, तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से नया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ ये यह आ जाएगा साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन a की जगह सी प्लस डी बटे दो इंटू कोस सी माइनस डी
बटे दो, ये हमारा फॉर्मूला। इस तरीके से सेम इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं हम, बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये आ जाएगा टू एक स्थान पर सी प्लस डी और बी की जगह सी वन, तो ये आ जाएगा टू कोस सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो। तो ये हमारा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। बिल्कुल आसान बात है, बस आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये हमारे चार फॉर्मूले यहाँ से तैयार हो चुके हैं। उसी तरीके से हम टू साइन ए साइन बी टू कोस ए कोस बी के फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं इससे आगे। सबसे पहले लिखते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हमारा कोस ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला है वह है कोस ए कोस बी, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरीके से कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये हमारा कोस ए कोस बी, और माइनस वाले में प्लस आता है, साइन ए साइन बी। ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट और यह है इक्वेशन सेकंड। तो वही लिखेंगे कि एक बार समीकरण एक को समीकरण दो में जोड़ने पर, तो पहला तो है समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे इधर, ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर, जोड़ने पे ये इधर कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और इधर ये दो हो जाएंगे, तो आ जाएगा टू कोस ए कोस बी। तो ये हमारा टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला सिद्ध होता है, जो फॉर्मूला इस प्रकार है कि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, और ये बड़े क्वेश्चन में बेस का काम करता है। उससे नेक्स्ट इस बार लिखेंगे हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो होगा क्या, इस साइड तो आ जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, और इस बार ये वाले कट जाएंगे, और इधर माइनस माइनस ये माइनस के टू हो जाएंगे, माइनस के टू साइन ए साइन बी। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इधर ये माइनस है, और इस माइनस को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अभी माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। तो जब ये प्लस हो जाएगा मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, और जब ये माइनस हो जाएगा ऐसे इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी, ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस कोस ए प्लस बी बराबर, ये आ जाएगा टू साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला अब यहाँ से तैयार होता है। फिर जैसे पिछले फॉर्मूले में हमने ए प्लस बी को तो सी मान लिया था, इक्वेशन फर्स्ट, और ए माइनस बी को डी, ये आगे इक्वेशन सेकंड। तो एक बार समीकरण एक को समीकरण दो में जोड़ने पर, और एक बार समीकरण एक को घटाने पर, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जरा कैसे, तो लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, तो ये कट जाएंगे यहाँ से, इधर हो जाएंगे टू ए, और इधर अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा सी प्लस डी, तो फिर ए की जो वैल्यू आएगी, ये टू कहाँ चले जाएगा इसके बटे में, तो सी प्लस डी बटे दो, ये आ गया हमारा ए का मान। उसी तरीके से समीकरण एक में से यदि दो को घटाया जाए,
तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस बार ये घट जाएगा अगर 2b हो जाएंगे और c माइनस डी, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी c माइनस डी बटे। अब ये a और b की वैल्यू इन फॉर्मूले में रखकर हम दो फॉर्मूले अलग से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे a प्लस बी की जगह क्या रखना है c, a माइनस बी की जगह क्या रखना है d, सेम जैसे पिछली बार किया ऐसा ही। तो इससे जो नया फॉर्मूला आएगा तैयार हो गया, वो आएगा ये कि कोस c प्लस कोस d बराबर इधर आ जाएगा 2 कोस c प्लस d बटे 2, एक स्थान पर क्या आ जाएगा c प्लस d बटे 2, ये आ गया कोस c माइनस d बटे 2। तो एक फॉर्मूला ये तैयार होता है। उसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से अगर हम दूसरा तैयार करें तो a माइनस बी, इसकी जगह क्या रखना है a माइनस बी की जगह रखना है हमें d और a प्लस बी की जगह रखना है हमें c, इसमें उल्टा रखा जाएगा तो हो जाएगा cos d माइनस cos c बराबर आ गया यहाँ पे 2 साइन, ये साइन और ए की जगह सी प्लस डी बटे 2 और फिर साइन सी माइनस डी बटे 2। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल समझना है आपको कि a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d, फिर यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल दी, a की c प्लस डी बटे 2 और b की c माइनस डी बटे 2, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पहले ये दो फॉर्मूले तैयार करके इनमें रखनी है और सेम अलग से दो फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये चारों फॉर्मूले सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं हम कि टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले को कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा और थीटा आ जाएंगे, अगर यहाँ पर एक्स हो तो एक्स और एक्स, तो सेम अगर यहाँ पर हम ए प्लस बी लिख दें तो ये भी ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ कि टेन ए प्लस बी, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये पूरा थीटा है तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। अब ये जो साइन ए प्लस बी है इसका फॉर्मूला वो लिख देंगे, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इधर कोस तो ये आ जाएगा कोस ए कोस बी, प्लस वाले में होता है माइनस साइन ए साइन बी। अब फॉर्मूला में ये वाला सिद्ध करना है, तो इस फॉर्मूले को देखकर हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें यहाँ पे वन लाना है इस जगह, तो यहाँ क्या लाना है वन, तो वन एक ही तरीके से आ सकता है कि अगर हम यहाँ कोस ए कोस बी से भाग कर दें तो फिर यहाँ वन आ जाएगा। अब यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो अंश और हर दोनों में ही ये काम करना पड़ेगा। तो इस बात को लिख देते हैं कि अंश व हर में कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी से भाग करने पर, तो कर दो भाग, तो इधर तो है हमारा टेन ए प्लस बी और इधर कोस ए कोस बी से यहां पे भाग करेंगे तो यह आ जाएगा साइन ए कोस बी, इसको भी कोस ए कोस बी से भाग कर दिया, फिर प्लस इधर है हमारा कोस ए साइन बी, इसको भी कोस ए कोस बी से भाग कर दिया अपॉन में, ये है हमारा कोस ए कोस बी और इसका जब कोस ए कोस बी से भाग करेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, माइनस ये है हमारा साइन ए
साइन बी, और इसको भाग करेंगे हम कोस ए कोस बी से। तो इस तरीके से हमने अंश और हर में कोस ए कोस बी से भाग कर दिया। उसके बाद यहाँ ये कोस बी है, इस कोस बी से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये कोस ए है, इस कोस ए से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, यह साइन ए कोस बी, इसके जगह लिख सकते हैं हम टेन ए, प्लस साइन बी कोस बी, यहाँ आ जाएगा टेन बी, अपॉन ये तो वन हो ही गया, माइनस ये आ जाएगा हमारा टेन ए टेन बी। तो इस प्रकार हम ये फॉर्मूला सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसी प्रकार अगर हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला सिद्ध करना चाहें तो भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे टेन ए माइनस बी, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस। सेम इसी तरीके से हम उसे भी करते हैं, वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो अब लेते हैं इस पर हम एक दो क्वेश्चन। तो अगर हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखें तो ये आ जाएगा टेन ए माइनस बी, इसी को देख के लिख सकते हैं, सीधा आपको करना है खुद। तो आ जाएगा टेन ए, इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा टेन बी, अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हमारा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये है हमारा टेन 75 डिग्री की वैल्यू। तो टेन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 45 प्लस 30 75। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो सेम जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसको हम ए प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में खोल सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा टेन 45 प्लस टेन 30 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन 45 इंटू टेन 30 डिग्री। अब टेन 45 का जो मान होता है वन, प्लस टेन 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है एक बटा रूट तीन अपॉन वन माइनस, इसका मान होता है वन इंटू वन अपॉन रूट तीन। तो इधर आ जाएगा, ये रूट तीन के ऊपर गुणा कर देंगे, रूट तीन प्लस वन पूरे के बटे में रूट तीन आ जाएगा अपॉन, इधर करेंगे तो रूट तीन माइनस वन पूरे के बटे में रूट तीन आ जाएगा। इस रूट तीन से ये रूट तीन कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा यहाँ पर रूट तीन प्लस वन रूट तीन माइनस वन। ये तो ये हमारा टेन 75 डिग्री का मान आ गया। अगर हम टेन 15 डिग्री का मान निकालें तो इसी से हम तुलना करके निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, 45 माइनस 30 और माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस, इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये रूट तीन माइनस वन रूट तीन प्लस वन, ये हमारा टेन 15 डिग्री की वैल्यू होगी। तो सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इतनी त्रिकोणमिति की बात थी। ठीक है, इसके बाद है इसमें एक टेन टू ए का फॉर्मूला, उसको भी सिद्ध करते हैं कि वो कैसे बना। तो टेन टू ए का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, बस अगर आप ये समझ गए तो उसे समझना तो बहुत आसान होगा। तो ये है हमारा टेन टू ए, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस ए ए प्लस ए, क्योंकि ए प्लस ए टू ए होता है, और ये फॉर्म बनी है हमारी सेम फॉर्मूले के जैसी। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा टेन ए प्लस टेन ए, क्योंकि बी की जगह भी यही है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, और वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो टेन ए और टेन ए ये तो आ जाएगा टू टेन ए, जुड़ जाएंगे दोनों, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा है टेन टू ए का फॉर्मूला।
तो इस तरीके से हम 10 2a का फॉर्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इससे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।